अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से हो। दोस्तों मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर और मेरा यहाँ आने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन जब से मैंने कराची सर्कल रेलवे की वीडियोस डालना शुरू किए यानी कराची सर्कल रेलवे चलना शुरू किया तो हर वीडियो पर मेरी तकरीबन 4 से 5 कमेंट यही होते थे कि आप मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन दिखाएं, मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन दिखाएं। तो अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ का हाल इतना बुरा है कि बिल्कुल भी दिखाने का दिल नहीं कर रहा। और यहाँ पर इस बेहद कचरा है, सिर्फ कचरे से भरा हुआ पूरा स्टेशन। तो दिखाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन खैर दिखा देते हैं थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों यह है मॉडल कॉलोनी का मेन केबिन, जहाँ से ज़रूर स्टेशन मास्टर या ट्रैक्स वगैरह चेंज किए जाते होंगे। तो आज से 20 साल पहले ट्रेन यहाँ पर आना बंद हो गई थी, और पैसेंजर ट्रेन जो यानी कि कराची सर्कल रेलवे की ट्रेन यहाँ आना बंद हो गई थी, और जबकि बाद से यहाँ पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन यानी कि कराची सर्कल रेलवे की ट्रेन नहीं आई है। तो इस वजह से स्टेशन की कुछ इस तरह की हालत है, या आप देख सकते हैं कि हर तरफ से कचरा ही कचरा है। जबकि ये वो साइड है जहाँ से मलीर हॉल से ट्रेन आती है, यहाँ पर रुकती है। और स्टेशन के टोटल 2 प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म ये जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और एक ये सामने प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली लूप लाइन है। और ये पूरा स्टेशन का व्यू है जो कि कचरे से ढक चुका है, इससे ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसमें बस इतना ही है। और अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म आगे से बिल्कुल टूट चुका है, बस ये थोड़ा सा बीच में प्लेटफॉर्म रह गया, जबकि इधर से बिल्कुल प्लेटफॉर्म टूट चुका है और सिर्फ लोगों ने कचरा डालकर यहाँ बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरी जगह का। जबकि उल्टे हाथ की अगर हम बात करें तो सामने वाला प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर भी यही सीन है, सिर्फ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म रह गया, बाकी पीछे से बिल्कुल टूट चुका है प्लेटफॉर्म। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ के हालात कुछ। इसके अलावा स्टेशन मास्टर वगैरह का रूम है जहाँ पर जहाज़ पाए जाते हैं। तो बस ये सीन है यहाँ के प्लेटफॉर्म। तो अब चलते हैं वापस। यहाँ पर मेरा आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि मैं ये सिचुएशन देख चुका था पहले ही, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स इतने आ रहे थे कि हमें ये स्टेशन दिखा, हमें स्टेशन दिखा, जिस वजह से मुझे आना पड़ा है। तो दोस्तों ये कंडीशन है मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन की, आपने देखी जो कि, और यहाँ पर इस कदर बदबू है कि मेरा यहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो बहुत हो गया, ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं कि लाइन कहाँ से आती है। तो दोस्तों ये मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल है, जो कि ऊपर सिग्नल्स तो है नहीं, जिसके जो अप डाउन होते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर रह गया है। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से पहले ट्रैक चेंज होता था, जो कि मॉडल कॉलोनी की लूप लाइन थी, लेकिन ट्रैक चेंजर अब ख़त्म हो चुका है और ट्रैक जो है वो सिंगल लाइन कर दिया गया है, जबकि लूप वाले जो ट्रैक था वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है यहाँ से। तो भी ये स्लीपर्स आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ट्रैक चेंजर के स्लीपर हैं, कि जहाँ से ट्रैक चेंज होता था और लूप लाइन जनरेट हो जाती थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है और अब ये सिंगल लाइन ही चल रही है। मतलब कि वो कनेक्शन रेलवे ने मॉडल कॉलोनी के लूप ट्रैक का बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था। तो ये देख सकते हैं आप ये स्लीपर्स वगैरह, ये लूप लाइन के हैं। तो एक छोटा सा केबिन भी है यहाँ पर, जहाँ से यकीनन ये सिग्नल्स को कंट्रोल किया जाता होगा सामने वाले, और यहाँ पे वो ट्रैक चेंजर लगाए गए होंगे जहाँ पर जिन्हें खींच कर अक्सर सिग्नल्स चेंज किया जाता है। तो बिल्कुल ये वही सीन है यहाँ पर, यहाँ पे पहले लीवर्स लगे होंगे जिनको खींच कर सामने का ट्रैक चेंज किया जाता होगा और सिग्नल्स दिए जाते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा सिस्टम कुछ नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये एक केबिन है यहाँ पर, और ये सामने स्टेशन है मॉडल कॉलोनी का। यहाँ पे ट्रैक फिर भी थोड़ा साफ़ सुथरा है, बेहतर है, लेकिन मॉडल कॉलोनी में तो बिल्कुल ही कचरा है। ऊपर
तो दोस्तों मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम मॉडल कॉलोनी के मेन बाजार की ट्रैफिक को एंजॉय करने लगे, क्योंकि अब हमारी अगली मंजिल थी मलीर हॉल्ट रेलवे स्टेशन। और इस ट्रैफिक को कम करने का मुझे तो फिलहाल सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा है, और वो है कराची सर्कुलर रेलवे का। तो जितना जल्दी हो सके इस सेक्शन को भी बहाल करना चाहिए, ताकि यहाँ के रोड्स का भी ट्रैफिक थोड़ा कम हो सके। कंडीशन मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन की, और जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को दिखा दिया उस वीडियो में, और जितना कवर कर सकता था, जितना मैंने समझा कि कवर करना चाहिए उतना मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में। तो उस स्टेशन पर बस यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसके अलावा मैं अभी आया हूँ मलीर हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर, कि जहाँ से मलीर हॉल्ट से ट्रैक कटता है कहाँ के लिए, मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन के लिए। तो चलिए मैं आपको वो ट्रैक दिखाता हूँ कि कहाँ किस जगह से ट्रैक कटता है मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि हमारी पीछे से के कैंट स्टेशन से लाइन आ रही है, जो कि मेन लाइन है ML1, और यहाँ से ये ट्रैक चेंज हुआ हुआ है जो कि मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर जाता है, और फिर यहाँ से चेंज होकर ये मलीर हॉल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जबकि फिर यहाँ से मज़ीद ये ट्रैक आगे जाता है और फिर सामने हमारे जो है वो मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन है जो कि मेन लाइन पर आ जाता है, और फिर यहाँ से ट्रेन आगे लांडी और हैदराबाद चली जाती है। जबकि ये आप ट्रैक देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक है ये मलीर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का है, और यहाँ से ये सिंगल ट्रैक शारा फैसा को क्रॉस करने के बाद मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। तो ये सीन है मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन की लाइन का, और ये लाइन की कंडीशन यहाँ से तो बहुत बेहतर है, जबकि मैंने अभी अभी देखा है शारा फैसल के नीचे जो लाइन की कंडीशन है वो ये है कि उस ट्रैक उस रेलवे लाइन के ऊपर रोड डाल दिया गया है, मतलब उसके ऊपर पूरा डामर डाल दिया गया है, मतलब परमानेंट उस लाइन को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने वो लाइन देखी थी, तो वो लाइन वाजे तौर पर रोड के ऊपर थी, लेकिन अभी अभी जब मैंने देखा है तो वो लाइन रोड के अंदर जा चुकी है, ऊपर रोड डाल दिया है इंतज़ामिया ने। तो अब ये देखें अब क्या होता है आगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आप लोग बता चलूँ कि इस फेस को खोलने की रेलवे ने अब तक कोई डेट नहीं दी है, और ना ही अब तक इस बारे में कोई बात की गई है, क्योंकि अब तक जो इतलात के मुताबिक अभी तक तो सिर्फ यही सीन है कि तीन फेजेस खुल रहे हैं KCR के, यानी कि पहला फेज़ औरंगी टाउन तक, दूसरा फेज़ गिलानी रेलवे स्टेशन तक, और तीसरा फेज़ ड्रिंक कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। लेकिन मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन को कब खोला जाएगा, कब KCR की ट्रेन इस पर चलेंगी, इस पर अभी कोई डेट नहीं दी गई है, ना ही ये बताया गया है कि कब से काम स्टार्ट होगा, ना ही अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी। तो अब ये देखते हैं कि कितने दिन बाद ये सेक्शन खुलेगा KCR का, लेकिन अब तक इसका कोई भी इम्कान नहीं है खुलने का। तो दोस्तों ये थी अब तक की कराची सर्कल रेलवे की अपडेट मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन के लिहाज से। तो दोस्तों अब यहाँ पर जब आ ही गए हैं तो थोड़ी रेल फैनिंग भी कर लेते हैं, और इस वक्त मेरे सामने से GU40 के साथ एक फ्रेट ट्रेन आ रही है जो कि कंटेनर ट्रेन है, क्योंकि कलरफुल कंटेनर्स अलग ही दिख रहे हैं दूर से। तो फ्रेट ट्रेन के साथ ही 15 अब कराची एक्सप्रेस 9054 के साथ यहाँ पहुँचने वाली है। तो यहाँ पर अब कुछ ही देर में डुअल एक्शन होने वाला है, तो चलें एक डुअल एक्शन एंजॉय करते हैं।
तो दोस्तों 15 अब कराची एक्सप्रेस के यहाँ से निकलने के बाद ही मुझे एक C-130 का जहाज़ दिखा, जिसे देखकर मुझे पबजी गेम की याद आ गई। तो अगर आप लोग भी पबजी खेलते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये थी लालामुसा और कराची के बीच चलने वाली 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस, जिसकी लेट पर कराची शर्ट का HGM 38223 लगा हुआ था। ये ट्रेन आज तकरीबन 8 घंटे लेट कराची पहुंच रही है, लेकिन 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस अपने राइट टाइम पर कराची से निकल चुकी है, जो सबके कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने से आ रही है KCR की 4 डाउन ट्रेन, जिसकी लीड पर लगा हुआ है GMU 15 4819। तो दोस्तों इस वक्त आप मेरे सामने देख सकते हैं कि 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस कराची शर्ट के HGM 38214 के साथ यहाँ पर आ रही है, जबकि आपने इससे कुछ ही देर पहले देखा कि 18 डॉन मिल्लत एक्सप्रेस अभी अभी यहाँ से निकली है और वो अभी कराची कैंट रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुँची है। तो इसका मतलब ये है कि आज रेलवे ने किसी और ट्रेन के रेक को या फिर दूसरे कोचेज़ को अरेंज करके 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस को कराची से अपने राइट टाइम पर निकाला है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जिससे ट्रेन भी लेट नहीं होती और पैसेंजर भी ख्वार नहीं होते, क्योंकि आजकल कुछ ट्रेन सस्पेंडेड हैं कराची से, इसीलिए काफ़ी कोचेस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से दूसरे कोचेस को मिलाकर ट्रेन को चला दिया जाता है। तो चलें अब 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस का क्रॉस एंजॉय करते हैं 8214 के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अब आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों जब मैं मलीर हॉल्ट रेलवे स्टेशन निकल चुका था उसी वक्त ठीक मेरे सामने से आ रही थी 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर ZCO 26209 लगा हुआ था।